अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आज हम एक हेल्दी से स्नैक्स ट्राई करने वाले हैं एक तो आपको एक चस्का सा भी मिल जाता है आपको एक डिफरेंट सा कुछ खाने को मिल जाएगा और दूसरी बात आपकी हेल्थ भी अफेक्ट नहीं होगी तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक चाहिए होगा एप्पल और दूसरा मेन इन्ग्रीडियंट हमारे पास इसके लिए ओट्स हैं तो एप्पल को आपने अच्छी तरह से छील के और काट लेना है और उसको हमने ब्लेंड कर लेना है अगर ब्लेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो ताकि उसका अच्छा से मिक्सचर बन जाए तो मैं मेरे पास ये वाले ऑर्ड्स अवेलेबल थे मैंने ये वाले ले रही हूँ आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे और जाहिर सी बात है एक डिफरेंट सा आपको चीज़ मिल जाती है हमें हमेशा जाते हैं कोई अच्छे से स्नैक्स हो हम ट्राई करें चाय के साथ खाएं लेकिन वही बात होती है कि हमारे पास हेल्थी ऑप्शंस नहीं होते और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको हेल्थ का इशू ही नहीं आएगा लाइक इतना हेल्थी ऑप्शन है ना तो आपने ओट्स ले लेने हैं हाफ कप और उसमें जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हैं और थोड़ी सी किशमिश डाल लेनी है और थोड़ा सा जो हमने एक एप्पल जो हमने ब्लेंड किया है वो वाला डाल देना है बेशक ज़्यादा चॉप ना हो मुझे थोड़ा थोड़ा करन्ंची टाइप थोड़ा सा उसके स्लाइस वाला पसंद है सो तो आप ज़्यादा भी इसको ब्लेंड कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है तो एक और चीज़ है अगर आपको क्वांटिटी में इशू आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एप्पल का मिक्सचर डालें पहले डाल लें उसमें ओट्स और नट्स उसके हिसाब से डाल लें इतना डालें कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए कि एप्पल जितना होगा ना उतनी आपको बाकी चीज़ें चाहिए जा, जा, होंगी कि हम इस इसको जब मिक्स करें तो इसका वो हार्ड सा थोड़ा फॉर्म बने कि हम उसका आ, उसके बिस्किट बना सकें जबकि उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए कि अगर वो ढीला सा होगा तो वो बिस्किट नहीं बनेगा ज़ाहिर सी बात है हमें थोड़ी सस्ती चीज़ चाहिए होगी ओट्स और नट्स जो इसका एप्पल का जो होगा ना पानी सा उसका वो एब्जॉर्व कर लेता अपने अंदर तो हमें एक थिक सा थिक सी फॉर्म मिल जाती है लाइक जैसे हम लड्डू या बर्फी टाइप कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो वो वाली शेप हमें मिल जाएगी वो वाली फॉर्म मिल जाएगी तो हम उसका शेप देने में हमारा हमें ईजी होगा तो अब हम इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ एक और बात ये है कि अगर आप इसमें नट्स नहीं ऐड करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है आप नट्स को स्किप भी कर सकते हो क्या इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जस्ट टू ही हैं एक और एक हमारे पास क्या है एप्पल अब इसको हम ना बटर मैंने ले लिया था आप ऑयल भी ले सकते हो या घी भी जो भी आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ लेना चाहते हो मैंने बटर ले लिया था कि इसको मेल्ट करके डाल लिया और अब इसके छोटे छोटे मैंने हाथों से ऐसे प्रेस करके ना बिस्किट बना लेने हैं तो आप चाहो तो उसको कटर से फॉर्म भी दे सकते हो आपकी अपनी मर्जी शेप दे सकते हो आप उसको कटर की मदद से मैंने हाथों से ही कर लिया था कि छोटे छोटे ऐसे लाइक बारीक से बिस्किट टाइप बना लिया था अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने देखना है बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे पकाना है इसको आप ज़रा सी भी इसको तेज़ करेंगे तो ये कच्चे कच्चा सा टेस्ट देगा अंदर से और ऊपर से बस पक जाएगा ऊपर से इसकी वो जो ब्लैक हो जाएगी ज़ाहिर जाएग सी बात हमारे पास किशमिश है ना तो किशमिश जब बटर के साथ मिक्स होगी गर्म होगी तो एकदम से डार्क सी हो जाती है जल जाती है तो इसलिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रहे हैं और जब ये तैयार हो जाए तो आप इसको सर्व करो इन्जॉय करो सुपर हेल्दी है आपको पता है ओट्स के कितने बेनिफिट्स हैं Apple के कितना बेनिफिट्स हैं नट्स के कितने बेनिफिट्स हैं और तीस जहाँ अगली चीज़ तो मैंने ये यूज़ किया है बटर किया वो भी तो सुपर हेल्थी ऑप्शन है तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा कोई कैलरीज़ का इशू नहीं है आप इंजॉय करो तिल खोल के खाओ एक तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है आप थोड़ी सी ना इसमें शुगर या शकर भी ऐड कर सकते हैं यू सोन ला हाफिज़